कनाडा को पहले मैच में 12 गोलों से पराजित करने के बाद अपने दूसरे मैच में भारत की महिला हॉकी टीम जर्मनी से मुकाबला जीत नहीं सकी। जी हां, FIH वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला जो है वो जर्मनी से हुआ और जर्मनी ने इस मुकाबले में जीत हासिल की। भारतीय टीम ने हालांकि 2 बार बढ़त बना ली थी, लेकिन इस बैटल ऑफ नर्व में जो है भारतीय महिला हॉकी टीम कहीं चूक गई और एक सुनहरी जीत जो उनका इंतजार कर रही थी उसे गवा बैठी। क्या कुछ हुआ इस मैच में वो आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और जर्मनी के बीच जब FIH वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप का मुकाबला शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि भारतीय टीम इस मैच में जीत हासिल करेगी और इसकी वजह भी थी, क्योंकि भारत ने अपने पहले मैच में कनाडा को 12 गोलों से पराजित किया था, तो दूसरी तरफ जर्मनी की टीम बेल्जियम से 0-6 से मुकाबला गवा कर इस मैच में उतरी थी। लेकिन पिछले विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप की उपविजेता जर्मनी की टीम के इरादे कुछ और थे और आखिरकार उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि बढ़त भारतीय टीम ने बनाई थी, 10वें मिनट में अन्नु ने जो है एक पावरफुल हिट पर जो है पहला गोल किया, बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर मिले थे और उसी में दूसरे पेनल्टी कॉर्नर पर अन्नु ने यह गोल दागा। 10वां मिनट था, भारत 1-0 से आगे हो जाता है। 4 मिनट बाद ही झारखंड की रोपनी कुमारी ने एलिगेंटली एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट किया और कमाल का वो गोल था और भारतीय टीम पहले क्वार्टर की समाप्ति के वक्त जो है 2 गोलों की बढ़त पर आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच जीतकर ले जाएगा। लेकिन दूसरा क्वार्टर शुरू होते ही जर्मनी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए और 17वें मिनट में शोफिया ने जो है जर्मनी के लिए एक मैदानी गोल दागा और स्कोर हो गया भारत 2-1। 4 मिनट ही और गुजरे थे कि लॉरा प्लथ ने मौका ताड़ा और उन्होंने जर्मनी के लिए दूसरा गोल कर दिया और स्कोर हो गया भारत 2-2, तो मुकाबला बराबरी पर आ गया। लेकिन यहां पर भारत की स्टार फॉरवर्ड मुमताज निकल कर आती हैं और दूसरे ही क्वार्टर में उन्होंने जो है एक खूबसूरत गोल किया और भारत एक बार फिर से मैच में 3-2 की बढ़त पर आ गया और इसी स्कोर पर हाफ टाइम हुआ। तो पहले क्वार्टर में जहां भारतीय टीम 2-0 से लीड कर रही थी, हाफ टाइम पर भारतीय टीम 3-2 से लीड कर रही थी, मतलब बढ़त अभी भी भारत की महिला हॉकी टीम के पास ही था। लेकिन तीसरा क्वार्टर जो है वो भारत के लिए अच्छा नहीं रहा और इस तीसरे क्वार्टर में जर्मनी ने 2 गोल दागे। पहले लॉरा प्लथ ने बराबरी वाला गोल दागा और फिर सिडल ने जो है वो लीड दिला दी जर्मनी को 4-3 से और यहीं पर तीसरा क्वार्टर खत्म होता है। हालांकि तीसरे क्वार्टर के अंत में जो है झारखंड की जो दीपिका हैं उनके पास एक अवसर आया था कि वो गेंद को गोल में तब्दील कर सके, लेकिन दीपिका सोरेंग उस मौके का लाभ नहीं उठा सकी। इसी पर तीसरा क्वार्टर खत्म हुआ। चौथे क्वार्टर में दोनों टीमों ने एक दूसरे पर हमले किए और अंततः जब हुटर बजा तो गोल और कोई नहीं हुआ था और भारतीय टीम इस मुकाबले में 3-4 से पीछे थी, जो ये बता रही थी कि जर्मनी ने यह मुकाबला 4-3 से जीत लिया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस मैच में भारत को अवसर नहीं मिले, आखिर में भी भारत को 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, बैक टू बैक मिले और वहां पर अन्नु चूक गई। तीसरे क्वार्टर के आखिरी लम्हों में दीपिका के पास अवसर आया था तो वो अवसर चूक गई। तो ये बैटल ऑफ नर्व था और जब ये प्रेशर बढ़ा तो भारत की जो महिला हॉकी टीम है उस प्रेशर को लेकर आगे नहीं बढ़ सकी। अटैक हुए लेकिन वो एक आपको सुनियोजित आक्रमण नहीं दिख रहे थे। भारत ने कई हमले किए, कोई एक खिलाड़ी आगे निकल जा रहा था, वहां उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, तो कुछ
कमियां जो है वो रह गई और इसी वजह से भारतीय टीम जो है जर्मनी के खिलाफ अपना मुकाबला 3-4 से गवा बैठी। लेकिन क्वार्टर फाइनल की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। 2 दिसंबर को भारत का मुकाबला बेल्जियम से होना है और उस मैच में भारतीय टीम जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान आरक्षित करवा सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भारत की महिला हॉकी टीम है वो बेल्जियम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करेंगी और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश पाएंगी। भारत की महिला हॉकी टीम को इस मैच के लिए हम कहना चाहेंगे हार्ड लक और अगले मैच के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।